हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जिससे कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ा था और साथ साथ में प्रश्नावली 1.1 के एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 तक हल कर लिए थे। बचे हुए प्रश्नों को आज हम लोग हल करते हैं। जो आपका चौथा प्रश्न है वो बोर्ड के जरिए से, बोर्ड के दृष्टि से एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मानते हैं, माना कोई a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। माना ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से जो b है वो b का मान कितना है भैया? 3 है। क्या है b का मान? हम लोग क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। माना b बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। माना b बराबर क्या हो गया? 3। तब r बराबर क्या होगा? तब r बराबर होगा 3 से छोटा, तो 0, 1 और 2 हो गए। ठीक भैया, हमने क्या बताया? जब b बराबर क्या हो गए आपके? 3 हो गए, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर बताया गया था। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग पहला चरण लिखते हैं या केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट में क्या होगा कि आर बराबर जीरो रखने पर, क्या रखने पर? आर बराबर जीरो रखने पर। तो आर बराबर जब जीरो रखोगे तब क्या मिलेगा? ए बराबर बी, बी के स्थान पे कितना है? 3 है। और क्यू, तो क्यू के स्थान के लिए बोल रहा है कि पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए प्रूफ करना है, तो क्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा? 3m आ जाएगा। प्लस r, r के स्थान पे आप 0 रखे हो, तो a बराबर क्या आ गए? 3m। समीकरण नंबर आप इसे क्या बना लोगे? 1 बना लोगे। क्या बना लोगे? 1 बना लोगे। अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या करते हैं? r बराबर 1 रखने पर, इस बार r बराबर क्या रखते हैं? 1 रखने पर फिर क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b, b के स्थान पे 3 है और q के स्थान पे m है, इस बार r के स्थान पे क्या रखना है? 1 रखना है। तो क्या हो जाएंगे? a बराबर 3m+1। इसे हम लोग क्या बना लेंगे? समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। एक बात ध्यान से समझिएगा जरा सा आप लोग, कि आपके सवाल में क्या कहा है? आपके सवाल में कहा है किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। किसी धनात्मक, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। कहा है ना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो वर्ग करोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 * 9। या तो आपको ऐसे एक स्टेप बढ़ाइएगा, 3m का स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर बराबर 3 * 9m हो जाएंगे। क्या हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे कि इनको क्या मानते हैं जरा सा? 9 को क्या लिखा जा सकता है? 3 * 3m और ये किसको मान लेते हैं? ये पूरा हम लोग क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पूरा ये m हो जाएगा। तो a इसका बराबर क्या आ जाएगा? 3m। समीकरण नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। अगला ध्यान से समझिएगा, केस सेकंड लगाते हैं। केस 2 में क्या लगाएंगे? केस 2 में r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 नहीं, 2 से पहले क्या है आपके? 1 है। तो r बराबर 1 रखने पर तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? a बराबर
बी के स्थान पे तीन है, क्यू के स्थान पे यम है और आर के स्थान पे क्या है, एक है। तो ए बराबर हो गए 3m+1, दोनों पक्षों का या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों तरफ जब आप वर्ग करोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएंगे बराबर इधर 3m+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a के स्थान पे क्या है 3m है और इनटू b के स्थान पे क्या है 1 है। तब इसका हम लोग प्रसार करते हैं तो 9m स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 2 3 6m आ गए। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से हम लोग एक तरफ करते हैं, जरा सा एक तरफ इनको क्रम से लिखते हैं, 6m+ क्या आ गए 1 आ गए। तो इन दोनों में से क्या हम 3m कामन ले सकते हैं, इन दोनों में से अगर 3m कामन लोगे तो यहाँ 3 3 9 3 बचेंगे और 1m बाहर हो गया तो 1m बचा है प्लस 3 2 6 तो यहाँ 2 बचे हैं और ये m बाहर आ गया है प्लस क्या लिख दिए 1 लिख दिए। ध्यान से समझिएगा आप क्या करते हैं कि क्या किया जाए कि इतनी पूरे चीज़ों को, या तो आप क्या करते कि यही m हटा के पूरा यहाँ पर मान लेते 3m स्क्वायर प्लस क्या आ जाता 2m आ जाता, आप कॉमन केवल 3 को लीजिएगा ठीक। अब इतनी पूरे चीज़ों को क्या मान लिया गया, माना इतना पूरा चीज़ क्या है m है, क्या है m है, तो क्या हो जाएगा 3m+1 ये आ गए ए स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ बात आपको समझ में आई कि इन दोनों को क्या मान लिया गया है, यम मान लिया गया है। अब केस थर्ड क्या लगाते हैं, केस थर्ड लगाते हैं, केस थर्ड में क्या लगाएंगे, आर बराबर क्या रखने पर, 0 और 1 रख लिए हैं, आर बराबर 2 रखने पर, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी के स्थान पे क्या है 3 है, क्यू के स्थान पे यम है, आर के स्थान पे इस बार क्या रखना है 2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हो जाएंगे ए स्क्वायर इधर 3m+2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको प्रसार कर देंगे तो ये 3m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 होता है ठीक। अब इसको खोलते हैं तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9m स्क्वायर, 2 2 4 और प्लस क्या आ गए 2 3 6 2 12m आ गए ठीक 12m। जरा से इनको क्रम से लिखते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस इस 4 को क्या हम 3+1 लिख सकते हैं, इस 4 को हम लोग क्या लिख दिए 3+1। अब देखिएगा दोनों में क्या 3 कामन है, इन यहाँ से लेके यहाँ में 3 कामन हो सकता है तो यहाँ क्या बचा 3m स्क्वायर बचा, 3 3 9 फिर 3 4 12 यहाँ 4m बचा है, 3 बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचा है 1 बचा है और ये प्लस 1 आपका पहले से बचा है। तो इतने पूरे चीज़ों को क्या मान लिए m मान लिए तो आपका क्या आ गया a स्क्वायर बराबर 3m+ क्या आ गया 1 आ गया, समीकरण नंबर क्या आ गया 3 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक आपने क्या माना था a माना था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है, 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है ठीक। इस सवाल को
आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग इसी क्रम में इसी चैप्टर का अंतिम सवाल है, उस सवाल को देख लेते हैं। वो सवाल क्या है, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्या करके भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जहां वर्ग था वहां क्या हो गए, घन हो गए, किसी पूर्णांक का घन 9m क्या होता है, किसी पूर्णांक का घन, या बोल रहा है किसी पूर्णांक का घन 9m, यहां सवाल पूरा करते हैं, कह रहा है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये आपको प्रूफ करना है। और ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के दृष्टि से कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही आपने चौथा सवाल लगाया था उनमें दोनों पक्षों में आप वर्ग करते थे, यहाँ दोनों पक्षों में आप क्या कर दोगे, घन करोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, बी बराबर, माना यदि बी बराबर, या मान लेते हैं माना बी बराबर क्या है, 3 है, तब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 0, 1, 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, केस फर्स्ट में आर बराबर क्या रख देंगे, 0 रखने पर, और केस सेकंड में 1 रखेंगे, केस थर्ड में क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो चलिए आर बराबर 0 रखोगे तब ए बराबर बी के स्थान पे कितना है, 3 है, और फिर क्यू के स्थान पे क्यू रखिएगा, और प्लस आर के स्थान पे क्या रख दिए, 0 रख दिए। तो दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करोगे, ए क्यूब और यहाँ क्या हो गया, 3 क्यू का क्यूब, 0 से कोई मतलब नहीं, ए क्यूब, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब। कुछ बच्चों को यहाँ पर भी दिक्कत आती है, वो करते क्या है, 3 त्रिका 9 क्यू लिख देते हैं, तो ऐसा गलती ना कीजिएगा। 3 क्यू क्यूब का मतलब होता है 3 क्यू गुड़े 3 क्यू गुड़े 3 क्यू, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू के पावर 1 और 2 और 3 मिलकर हो गए 27 क्यू क्यूब। क्या हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, अगर हम इनको लिखना चाहें तो 9 गुड़े 3 क्यू क्यूब लिखा जा सकता है। अब इतने पूरे चीज़ों को उन्होंने क्या मान लिया, यम मान लिए, अगर इसको हमने क्या माना यम है, तो ए क्यूब बराबर क्या आ गए, 9m आ गए। ठीक, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड लेते हैं, क्या करते हैं, केस 2 बनाते हैं, केस सेकंड में क्या करेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर जब 1 रखोगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, b के स्थान पे 3 है, q प्लस r के स्थान पे क्या रख दिए, 1 रख दिए, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब घन करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, a का क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब हो गए, तो आप फार्मूला लगाना चाहते हो, या a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। इस सूत्र से हम लोग इसको खोल देंगे तो क्या होगा, a क्यूब के स्थान पे क्या है, 3 क्यू है, तो 3 क्यू का क्यूब, b के स्थान पे क्या है, 1 का क्यूब प्लस 3
ए के स्थान पे क्या है, 3q है, और बी के स्थान पे क्या है, 1 है, और साथ में ए प्लस बी, तो यानी ए के स्थान पे 3q और बी के स्थान पे 1 हो गए। तो 3 × 9 = 27 q³ और 1 का क्यूब करो कोई मतलब नहीं, 3 × 9 q आ गए, और यहाँ 3q प्लस क्या आ गए, 1 आ गए। 9q का मल्टीप्लाई इससे और इससे कर देंगे तो यहाँ 27 q³ प्लस, इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखते हैं, तो 9 × 27 q² आ गए, फिर 9q आ गए, ठीक, और ये प्लस लास्ट में क्या लिख लिए, 1 लिख लिए। अब ध्यान से समझिएगा, क्या दोनों में 1, 2, 3 पदों में 9 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, यहाँ 9 × 3 आ गए और q³ लिख लिए, प्लस यहाँ भी 3 आएगा q² और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, प्लस क्या बचा, 1 बचा। इतनी पूरी चीज़ों को अगर क्या मान ले, m मान ले, तो क्या हो जाएगा, 9m प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये a³ आ गए, समीकरण नंबर क्या मान लिया गया, 2। अब क्या करते हैं, केस थर्ड लिखते हैं, केस थर्ड में क्या लिखेंगे, r = 2 रखने पर, जब r = 2 रखोगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, a = b के स्थान पे 3 और q r के स्थान पे 2 हो गए। तो फिर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो चलिए दोनों पक्षों का जब आप लोग घन करोगे तब क्या आ जाएगा, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ a³ आ जाएगा बराबर 3q + 2³। अब इसका हम लोग a³ + b³ के फार्मूले से इसको खोल देते हैं, तो अभी आपने जस्ट इससे पहले ये फार्मूला लिखा था, a³ तो 3q³ हो जाएगा, तो यहाँ 3q³ लिख देते हैं, प्लस b³ तो यहाँ 2³ लिख देते हैं, प्लस 3ab तो 3a के स्थान पे क्या है, 3q है, और b के स्थान पे क्या है भैया आपका, 2 है, और प्लस इंटू ए प्लस बी, तो a कितना है, 3q है, और b कितना है, 2 है। चलिए उसको प्रसार करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 × 9 = 27 q³, 2 × 4 = 8, 3 × 9 = 18 q, 18 q, और उधर क्या आ गए, 3q प्लस क्या आ गए, 2 आ गए। 27 q³ प्लस 8 को हम लोग बाद में लिख लेंगे, 18 × 3 कितने आ गए, 54 q², 18 × 2 कितना आ गया, 36 q, 18 × 2 = 36 q, और प्लस क्या उतार लिए, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो बताइएगा जरा सा, 7 प्लस क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, क्या देखेंगे इन तीनों पदों में से क्या 9 कॉमन हो रहा है, बिल्कुल 9 कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 9 × 27 यानी 3q³ आ जाएंगे, 9 × 6 = 54, तो 6q² आ जाएगा, 9 × 4 = 36, तो 9 कॉमन होने का मतलब 9 से भाग दे देना, तो ये 4q आ गए, और प्लस क्या उतार लिए गए, ये 7 उतार लिए गए, ठीक, ये 7 में से 9 कॉमन नहीं लिया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, और प्लस क्या होते हैं, यहाँ 7 + 1 क्या लिख दिया जाएगा, 8 लिख दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यदि हम इनको क्या मान ले, m मान ले, तो m मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 9m + 8, ये क्या आ गए, इसको फिर से लिखते हैं, 1³ = 9m + 8, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है, 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक। इस प्रकार आपके इस चैप्टर के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।